ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବ ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଜି ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପାଳିତ ହେବ ଭବ୍ୟ ଦୀପୋତ୍ସବ। ଏଥର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାସ୍ଥିତ 51 ଘାଟରେ 24 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜାଳି ହେବ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ସଜା ଯାଇଛି। ଏଥର ଦୀପୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାସ୍ଥିତ 51 ଘାଟକୁ 24 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ସହିତ ସଜାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସହର ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦୀପୋତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଦୀପୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ମହାନତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଗତ 2017 ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଦୀପୋତ୍ସବ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାଲକେ ଦୀପୋତ୍ସବ କେ ତ୍ୟୋହାର କେ ଲିଏ जनपद अयोध्या में आने वाले सभी लोगों का एक सुगम अनुभव हो, इसके लिए एक विस्तृत रूप से पुलिस अरेंजमेंट बनाया गया, जिसमें जनपदीय पुलिस के अलावा हमको रेंज व जोन के अन्य जनपदों से व पुलिस मुख्यालय के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है, जिन सबको लेकर के एक स्ट्रांग अरेंजमेंट बनाया गया, जिसका मुख्य जो हमारा उद्देश्य होगा वह आने वाले सभी लोगों को फैसिलिटेट करना, भीड़ नियंत्रण रखना एवं सुचारू यातायात व्यवस्था का पालन करवाना, ये हमारा वो रहेगा। 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे, तकरीबन 24,60,000 के करीब ये दिए बिछाए गए हैं। पिछले 3 दिन से वही काम चल रहा है और फिलहाल उसका काउंटिंग चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं ड्राई काउंट। और कल ये 24 लाख में कितने दिए जले, कितने दिए नहीं जले, उसके हिसाब से हमें एक नंबर मिलेगा, जो आई एम श्योर कि 21 लाख से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। सभी अयोध्या के लोग यह अपने अपने घरों में उसी उत्सव के रूप में दीप का प्रज्वलन करते हैं, दीप जलाते हैं, यही परंपरा आज भी चली आ रही है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।